नगर पालिका परिषद अहिवारा क्षेत्र के वार्ड 11 में नए अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में नगर पालिका परिषद अहिवारा के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका परिषद अहिवारा जिला दुर्ग के बैनर तले अध्यक्ष नटवर लाल ताम्रकर के नेतृत्व में गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र के वार्ड 11 में फिर से एक नई अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में अपनी आपत्ति जता जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में नटवर ताम्रकर ने बताया कि पहले भी अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने की सूचना मिलने से लिखित निवेदन दिया गया था। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड 11 के रिहायशी क्षेत्र होने के साथ ही शासकीय महाविद्यालय सहित ऐतिहासिक मंदिर भी है, जिसके चलते हमारे द्वारा मंदिर के पास अंग्रेजी शराब दुकान नहीं खोले जाने का आग्रह भी किया गया था। वहीं पार्षद ने यह भी बताया कि शासन द्वारा किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को लेकर वार्ड में शराब दुकान को खुलवाया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में कल एक नया शराब दुकान वहाँ खोला गया। इससे पूर्व भी वहाँ पर एक दुकान संचालित था गांव मानव्रत में। वर्तमान में जो दुकान संचालित है वो मेन रोड पर है, उससे 200 किलोमीटर बाजू में शासकीय कॉलेज है, बाजू में लगा हुआ शासकीय रेस्ट हाउस है, उस शराब दुकान के सामने में एक शासकीय स्कूल है और विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का प्रांगण भी उससे 300 मीटर की सीमा पर है। हमने जानकारी मिला था कि यहाँ पर कोई शराब दुकान खुलने वाला है। इसके पहले भी मैंने 1 जनवरी को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि अहिवारा में ऑलरेडी एक शराब दुकान संचालित है, दूसरा शराब दुकान यहाँ ना खुले। उसके बावजूद भी कल वहाँ पर एक नया शराब दुकान खुला है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि जो नया शराब दुकान खुला है उसको बंद किया जाए तत्काल, अन्य हम उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करें। मैं नटवर ताम्रकर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नंदनी अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। पूर्व में भी एक शराब दुकान संचालित है लेकिन कल से फिर एक शराब दुकान और पावर ऑफ नंदनी रोड पे खोल दिया गया है और वहाँ पर बहुत ही नज़दीक में काफ़ी नागरिक कल्याण महाविद्यालय संचालित है और रेस्ट हाउस भी बना हुआ है हमारा, पूर्व माध्यमिक शाला संचालित है और विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर संचालित है। और मुख्य बात यह है कि वह रहवासी इलाका में है और मेन रोड को जोड़ती है वह, और निश्चित रूप से वहाँ पे रहवासी इलाका होने के कारण नागरिकों में आवास है और असुविधा होगी। और हमारी जो छात्र छात्राएँ जो कॉलेज में विद्यालय में अध्यापन के लिए जाते हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अनुज साहू पार्षद नगर पालिका परिषद अहिवारा। बालमरत में 3 साल पूर्व अंग्रेजी शराब देसी शराब की दुकान संचालित है, उसके बाद भी प्राइवेट जगह में रोड में स्कूल कॉलेज और मंदिर के पास नया शराब दुकान खोला गया है। हम समस्त वार्डवासी इसका विरोध करते हैं। जब शासन द्वारा चयनित स्थान में पहले ही खोला गया है तो दूसरा जगह और देने का कोई मतलब नहीं है। ये एक पर्टिकुलर इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम सारे वार्डवासी इसका विरोध करेंगे। मैं निरधर साहू पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 15। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।